गुड मॉर्निंग न्यूज डॉट इन, जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग न्यूज डॉट इन। इसकी एक बानगी सीतामढ़ी में देखने को मिली, जहां एसपी और डीएम आधी रात को शहर के विभिन्न होटलों में छापेमारी कर अपराध नियंत्रण की कार्रवाई करते नजर आए। जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा और एसपी अनिल कुमार के सड़क पे आने पर जिले के सारे पदाधिकारी भी सड़क पर उतर गए और अपने अपने थाना क्षेत्र या जो जोन है उसमें छापेमारी करते या गश्ती करते नजर आए। यह पहला अवसर है कि सीतामढ़ी में हाल के दिनों में जब क्राइम बढ़ा है तब एसपी और डीएम भी सड़क पर उतरे हैं। हम आपको यहाँ बताएं कि बिहार में गिरती विधि व्यवस्था को लेकर विपक्ष जो है बहुत एग्रेसिव हो गया है, लगातार सरकार पर तंज कस रही है। विधि व्यवस्था संधारण के लिए पेट्रोलिंग टीम निकाली गई थी, इसके साथ ही मद निषेध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी होटल, लाइन होटल, सभी जगह में व्हीकल की जांच करवाई गई। इस क्रम में कई जगह काफ़ी सफलता हासिल हुई है और हम लोगों को भी सफलता हासिल हुई है। हम लोगों ने भी जगह में पकड़ा है, शराब को पकड़ा है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और लगातार इस तरह के छापेमारी चलती रहेगी। सरकार दृढ़ संकल्पित है मद निषेध को लागू करने के लिए, इसी के साथ ही विधि व्यवस्था संधारित करने के लिए। इसके साथ ही हम लोगों ने हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया है और चिकित्सा सेवाओं को भी देखा है और कुछ डॉक्टर्स जो अनुपस्थित थे उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही जिस भी क्षेत्र में जो थाना प्रभारी है यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए दिया गया, जिनके क्षेत्र में शराब पकड़ी गई है, तो हम सभी की ये कटिबद्धता है और हम लोगों से भी अपील करेंगे कि यदि आपको कोई भी इस तरह की सूचना आती है सीतामढ़ी जिले में तो कृपया जिला नियंत्रण कक्ष में जरूर सूचना दें। आपका नाम, आपकी पहचान गोपनीय रखें। गुड मॉर्निंग न्यूज डॉट इन, जो आपको रखे सबसे आगे।